हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब भी व्हाट्सएप को ऑन करते हैं तो उसमें अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो आपसे कह रहा है कि आप इसे न्यू वर्जन में अपडेट करें, उसके बाद ही ये ओपन होगा, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसे कैसे अपडेट करें, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने न्यू व्हाट्सएप को कैसे अपडेट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप को न्यू वर्जन में कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये प्ले स्टोर के एप्लीकेशन है इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप मैसेंजर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप के आपके एप्लीकेशन हैं, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ये अपडेट लिखा आ रहा है। उससे पहले मैं आपको इसमें नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है व्हाट्स न्यू, तो इसमें जो न्यू चीज़ आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो ये नया अपडेट है इसमें आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस में, चैट मैसेज के अंदर और अपने स्टेटस के अंदर भी आप स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं। अब तो हमें क्या करना है, सिंपली इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये देख सकते हैं आप अपडेट होना शुरू हो गया है, ये डाउनलोड होना। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये व्हाट्सअप जो है अपडेट हो चुका है, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप अपने व्हाट्सअप को नए वर्जन में कैसे अपडेट कर सकते हैं या न्यू व्हाट्सअप को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।